मेरे पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें एक बच्चा कोरोना सेंटर में है, कोरोना पॉजिटिव है, इसके बावजूद वहां बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे ऐसे कई प्यारे बच्चे हैं जो घर में हैं, सेफ हैं, सारी सुविधाएं, लेकिन भाई उनका मन नहीं लग रहा है, उनको बहुत डीमोटिवेशन मिल रहा है। तो मैं एक चीज आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ये जो डीमोटिवेशन है या आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस बात को कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि करने वाला किसी भी परिस्थिति में हो वो अपने जुनून को बरकरार रखता है। ये फोटो इंदौर का जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, यहाँ पे एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है, वहां की ये एक बच्चे की फोटो है। हम में से कई बच्चे जो हैं घर पर हैं, मजे से हैं, लेकिन मन इस कारण नहीं लग रहा है क्योंकि आसपास काफी नेगेटिविटी है। मैंने एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर किया था जिसमें मैंने एक लाइन कही थी कि मन नहीं, मैंने कहा था कि मन नहीं वजह महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है, हर किसी के आसपास अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं। अगर आप ये बोलकर केवल चुपचाप बैठ जाते हो कि सर मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई करने का आजकल तो बिल्कुल ही कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, तो मेरी नज़रों में इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमारी जो वजह है, हम जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, या तो वो उद्देश्य साफ नहीं है या फिर हमें इतनी कोई चिंता नहीं है। अगर आपके मन में यह है कि नहीं मुझे 2021 में जॉब लेना है, जब मैं ये लाइन कहूंगा तो कई बच्चे बोलेंगे सर वैकेंसी तो निकल नहीं रही है, एग्जाम तो हो नहीं रहे। देखिए, जो अभी माहौल है, एक महीने दो महीने में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज सब काम छोड़कर केवल अपने घर में मजे से बैठे हो, दिन भर मोबाइल चला रहे हो, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो याद रखिए मेरी बात, ये जो समय है अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने का समय है। इस समय आपको अपनी तलवार की धार को और तेज करना है। तलवार की धार को तेज करने से मेरा मतलब है कि अपनी पढ़ाई को और बेहतर करना है। आप जानते हैं, आराम करने का अधिकार उस व्यक्ति को है। मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम होना है, आपके अगर 100 नंबर में से 85 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको आराम करने का अधिकार है। आप मजे से अपने घर में रहिए, एक दो घंटे पढ़ लीजिए, बाकी आप पढ़ाई करना बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कट ऑफ तक पहुंच चुके हो जो एग्जाम लेने के लिए काफी है, एग्जाम निकालने के लिए काफी है। लेकिन कई बच्चे मैंने देखे हैं, आता कुछ नहीं है, उनसे कुछ करवा लो उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक बात को पकड़ लिया, उन्होंने अपने आसपास के माहौल को अपने ऊपर हावी कर लिया, और इसमें घर वालों की भी सांत्वना मिल जाती है। घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा, सब बंद पड़ा है तो तुम कुछ मत करो। तो एक बात समझिए, हम अगर रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेगा, अदरवाइज हम अगर किसी चीज के बहाने ढूंढेंगे तो हमें बहाने भी ढेर मिल जाएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर वाले बस इतना बोल देते हैं कि बेटा ठीक है तुम तो सेफ रहो। ऑब्वियसली घर वाले चाहेंगे उनके बच्चे सेफ रहें, लेकिन बच्चों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, बच्चों के ऊपर भी तो आने वाले टाइम में कुछ जिम्मेदारी आएंगी। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आने वाली है कि आपको अपने माता पिता को कुछ बनकर दिखाना है, और ये वो समय है कि जो इस समय पढ़ता रहेगा, जो इस समय मेहनत करता रहेगा, वो इस साल जॉब लेकर दिखाएगा। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपके 100 नंबर का भी मैं पेपर ले लूं, अगर आपके 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं, तो आपको चुपचाप बैठने का अधिकार ही नहीं है भाई। आप कैसे बोल सकते हो मन नहीं लग रहा है? मैं ये बोलता हूं कि ठीक है आप 8 घंटे 10 घंटे मत पढ़ो, लेकिन 5-6 घंटे तो निकाल सकते हो, 4 घंटे तो निकाल सकते हो, थोड़ा तो पढ़िए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये कैपेसिटी होती है, हमारे दिमाग में ताकत होती है कि जैसा हम इसके अंदर जाने देना चाहते हैं ना वही जाएगा। अगर आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपके ऊपर हावी होगी। अगर आप अपना फोकस एकदम क्लियर रखेंगे कि ठीक है मुझे घर पर रहना है, मस्त ऑनलाइन पढ़ाई करना है, किताबों से पढ़ाई करना है, जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ाई करिए, लेकिन अपनी धार को बनाए रखिए। हाँ, अगर ऐसा है कि ठीक है सर अभी तो हमें 2-3 साल कोई जॉब लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम आराम से चल जाएगा, हमारे घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आराम करिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको चिंता नहीं है तो बेटर है आप आराम करिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोचते हो कि मैं इस समय कुछ नहीं करूंगा, तो आप अकेले नहीं है, आप जैसे ऐसे कई बच्चे हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी कई बच्चे हैं जो हर हाल में लगे हुए हैं। अगर 100 बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं,
50 बहाना मार के घर में बैठ सकते हैं, लेकिन 50 बच्चों की वजह आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर आपसे ज्यादा मजबूरियां हैं, उनके ऊपर आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, और वो हर हाल में लगे हुए हैं, और वो 50 बच्चे ही आगे निकल जाएंगे, और वो इस साल जो भी वैकेंसी निकलेगी उसको वो पास करके दिखाएंगे। तो च्वाइस आपकी है, इस साल जो एग्जाम्स होंगी, आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी, आप उन्हें निकालना चाहते हैं, या उनमें एग्जाम का रिजल्ट देखने के बाद, ठोकर खाने के बाद, आने वाले समय में आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, ये आपकी च्वाइस है। तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि ये चीजों से ऊपर उठिए। मन नहीं लग रहा है, बहुत सारा डीमोटिवेशन है, सबसे पहला एक काम करिए कि आप ये जितनी भी अपने आसपास कोरोना की जो खबरें हैं, मोबाइल पर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पे आप देखते हो, न्यूज़ चैनल्स पे आप सुनते हो, सबसे पहले इसको बंद करिए और एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, एक नियम बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। छोटे से शुरुआत करिए, आप 2-3 घंटे पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, लेकिन अपना समय कंस्ट्रक्टिव जगह लगाइए, डिस्ट्रक्टिव या वेस्ट करने वाला काम मत करिए। अपने आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो समय चल रहा है इसमें आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है, ना कहीं जाना है, ना कोई आपको बुलाएगा, किसी फंक्शन में नहीं जाना है, तो आप अपनी दिन रात एक करके अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। ये जो समय है अपनी कमियों को सुधारने का समय है, ना कि इस समय को अपनी कमी बनाने का। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठिए, थोड़ी अपनी मानसिकता का स्तर बढ़ाइए, और आप एक बात समझिए कि आपके अंदर, जैसा मैंने कहा कि हमारे अंदर पहले से बहुत सारी कमियां हैं, हमें वैसे ही कुछ नहीं आता है, तो आपको तो शांत बैठने का वैसे भी अधिकार नहीं है भाई। तो आपको अपना पूरा समय लगाना है पढ़ाई पर, धीरे धीरे शुरुआत करिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। आपने वो सुना होगा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन इन सभी चीजों में कॉमन क्या है, आगे बढ़ते रहिए, रुके मत रहिए, अपनी जगह पर मत रहिए, थोड़ा सा लगातार प्रयास करिए और आगे बढ़ने का। बहुत सारी चीजें हमारे पास है, आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हो, नहीं जरूरी है कि पेड कोर्स लेकर ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास किताबें होंगी, किताबें नहीं है तो YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अदरवाइज फिर हमारे पास दिन भर चलाने को मोबाइल है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहो, खबरें देखते रहो, कहां क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, इन सब चीजों का आपके दिमाग पे बहुत असर होता है जो किसी काम का नहीं है। बेटर कि हम इसे कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाएं, और आप इस फोटो को दिन में 1-2 बार देखिए और अपने आप को कंपेयर करिए कि आप कितने अच्छी कंडीशंस में ऑलरेडी हैं, आप इससे तो बेहतर ही होंगे। तो जब ये बच्चा इन परिस्थितियों में अपने जुनून को बरकरार रखा हुआ है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास किस चीज की कमी है, आप कर सकते हैं। बस अपने माइंड को जो है उसको थोड़ा जगह पे लाइए, और प्लीज मन नहीं लग रहा, डीमोटिवेशन है, इन सबसे ऊपर उठिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी चीज को करने के लिए उसकी वजह महत्वपूर्ण होती है। या तो आपकी वजह महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है, और अगर आपकी वजह महत्वपूर्ण है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस साल जॉब लेना है, कोई ताकत आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।